हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को मात्र 30 वर्ष की आयु में पूरे विश्व में फैला दिया, जिन पर आज भी भारतीय युवा पीढ़ी गर्व करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। लोग इनको बचपन में नरेंद्रनाथ नाम से जानते थे, लेकिन इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने इनकी बौद्धिक क्षमताओं को देखकर इनका नाम विवेकानंद रख दिया और आज लोग इनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में मात्र 39 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन इनके विचार आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। ये कहा करते थे, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से महापुरुषों के विचार हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल का आइकन दबाना होगा जिससे कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।